morning, all of you. I am Anju from Acquisition Group of Schools. In previous lecture, we have started a lesson one. Its name is Grandfather's House. Okay. So, in first lecture, what we have said is Hathi is an orphan little girl. इसमें एक लड़की थी Hathi जो कि orphan little girl थी and who lives with her aunt Date. अपने aunt Date के साथ में रहती थी, है ना? और एक दिन क्या होता? She went grandfather's house and his grandfather lives in a very little wooden house in the high mountains called the Alps with the two goats. And आपने देखा कि फिर वहाँ पर जो है वो अपने दो goats के साथ में वहाँ पर अकेले जो है उनके grandfather रहते हैं. तो वहाँ पर वो अपने grandfather के साथ में रहने के लिए जाती है. So let's continue our this lesson in our lecture. और लगा दे
बेड और तू जो है खाओ और जाओ जल्दी सो जाओ। योर नाइट ड्रेस इज इन द कबोर्ड, तुम्हारी जो नाइट ड्रेस है मतलब रात में पहनने वाली जो ड्रेस है वो कहाँ रखी है? अलमीरा कबोर्ड। आई मस्ट लुक आफ्टर स्नोई एंड ब्राउनी, कहते हैं क्योंकि मुझे किनको देखना है? स्नोई एंड ब्राउनी। अब इसमें जो स्नोई और ब्राउनी आ रहा है ना उन गोट दो गोट्स के लिए आ रहा है जो कि एक व्हाइट कलर की है और एक कौन से कलर की है? ब्राउन कलर की है। द गोट्स फॉलोड ग्रैंडफादर इनटू द गोट हाउस। अब दोनों गोट जो है पीछे पीछे ग्रैंडफादर के जो है वो जाती है अपने हाउस में। हेदी फिनिश्ड हर ब्रेड एंड मिल्क एंड क्लाइम्ड अप द स्टेप्स और टू हर बेड इन द हे। अब हेदी जल्दी से अपना दूध और जो ब्रेड है वो फिनिश कर देती है और जो उसने अपना बेड बनाया था हेदी से वहां पर वो चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हेदी वॉज वोकन अप अ शाउट आउटसाइड। अब अगले दिन जब हेदी उठती है तो किससे एक आवाज से उठ जाती है। इट वॉज पीटर कॉलिंग द गोट्स। अब ये किसकी आवाज थी बेटा? पीटर की थी जो किन को बुला रहा था? गोट्स को बुला रहा था। द सन वॉज शाइनिंग थ्रू द राउंड विंडो एंड फॉलिंग इन गोल्डन रेज ऑन हर बेड। अब सूरज की जो किरणें हैं वो चमकती हुई किसके ऊपर गिरती है? उसके बेड के ऊपर सुनहरे रंग की। शी ओपन्ड हर आईज, वो अपनी आंखें खोलती है। एवरीथिंग सीम्स टू बी ग्लीमिंग विद गोल्ड। हर गोल्ड जो है उसको सुनहरा जो है वो चमकता हुआ नजर आता है। शी ड्रेस्ड क्विकली एंड रैन डाउन। फिर जल्दी से कपड़े पहनती है और नीचे आती है। ग्रैंडफादर वाज लीडिंग आउट द स्नोई एंड ब्राउनी। अब ग्रैंडफादर जो है किसके के आगे आगे है? स्नोई और ब्राउनी। आपको बताया था मैंने स्नोई ब्राउनी एक व्हाइट कलर की गोट थी और दूसरी ब्राउन कलर की। वुड यू लाइक टू गो देम अप द माउंटेन? ही सेड टू हेदी। हेदी कहती है, हेदी से पूछता है, पूछते हैं ग्रैंडफादर क्या तुम इनके साथ में जाना चाहती हो? ओ यस ही क्राइड। वो बहुत ही खुशी से चिल्लाते बोलती है, हाँ बिल्कुल मैं भी इनके साथ में जाना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट्स आपका जो लेसन फर्स्ट है वो फिनिश हो गया है। सो जो लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर टू आप बिल्कुल सिंसियरली जो है वो सुनिएगा और इस लेसन को दोबारा से रीड कीजिएगा और अंडरस्टैंड।